बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मायदाज। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता तकरीबन 4 घंटे से एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। यह जो तस्वीर आपके सामने आ रही है, ये एक दरिंदा सिफ्त इंसान है जिसका नाम है शेख दानिश अली। शेख दानिश अली का शुमार फैसलाबाद के बड़े बिजनेस टाइकूंस में होता है। इसकी एक बेटी है जिसका नाम है एना। एना मेडिकल की स्टूडेंट है और उसकी एक दोस्त है जिसका नाम है खदीजा। हुआ ये कि खदीजा शेख दानिश अली को पसंद आ गई और शेख दानिश अली ने खदीजा को अपना प्रपोज़ल भेजा, जिसको उसके वालदैन और खदीजा ने ख़ुद रिफ्यूज़ कर दिया। शेख दानिश अली को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने अपने चंद दोस्तों के साथ मिलकर खदीजा का किडनैप कर लिया। नाज़रीन, हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है? हम बिल्कुल बेहरा रवि का शिकार हो चुके हैं। जब ये वीडियो खदीजा की सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो फैसलाबाद के सीपीओ को ख्याल आया और उसने फ़ौरन एक्शन लेते हुए शेख दानिश अली और उसके साथियों को अरेस्ट कर लिया। वीडियो में देखा जा सकता है, जो कि मैंने एंड में अटैच की है, कि शेख दानिश अली और उसकी बेटी एना ने कितना हित कमेज़ सलूक किया है खदीजा के साथ। इंसानियत बहुत हद तक शर्मा चुकी है। हमारा मुआशरा बिल्कुल तनजली की तरफ जा रहा है। मेरी तमाम आला अदलिया से गुजारिश है कि इस जैसे दरिंदा सिफ्त इंसान को फौरन से पहले कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इस तरह का इंसान हमारे मुआशरे के लिए नासूर है। हमारी बेटियां बिल्कुल अपने घर में महफूज नहीं। तमाम बड़े बड़े इदारों ने, जिसमें एक्सप्रेस ट्रिब्यून, जंग ग्रुप, दुनिया ग्रुप, तमाम बड़े इदारों ने इसके ऊपर अपने आर्टिकल्स लिखे हैं। आप कहीं पे भी जाके उस आर्टिकल को फॉलो कर सकते हैं। मैंने एंड पर खदीजा की वीडियो अटैच कर दी है। आप देखिए और सोचिए हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। अपनी आवाज़ों को बुलंद कीजिए ताकि शेख दानिश अली जैसे नासूरों को फौरन से पहले कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। सॉरी है ना, जुबान जुबान सॉरी है ना। बस खड़ी हो अब, हम बात ही बदल कर लो। अब बंद कर दो।